नमस्कार दोस्तों, अस्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देख रहे हैं मेरे पास एक वाटी है, मिक्सर वाटी है और आप देख रहे हैं इसे कपलर भी गया हुआ है और साथ में इसका बेस पूरा सड़ गया है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, मैं ग्राहक जो है ये बोला सिर्फ जो भी होगा बना देना, ऐसा उसने नहीं बोला कि आपको बेस डालना है, कुछ नहीं बोला है, सिर्फ बोला है जो भी खराब होगा बना देना। दोस्तों इसका बेस सड़ गया, अगर आप बुझ डालेंगे, दोस्तों मैंने देखा कई लोग बुझ डालते हैं, अगर बेस सड़ गया है तो भी बुझ डाल देंगे, जब बुझ डाल देंगे और इसको हल्का सा दबा के देखेंगे तो बुझ अंदर बाहर होता है तो भी लोग ग्राहक को दे देंगे, इसे ही वैसे दे देंगे आप तो कितने चलेगा, वो दो दिन चार दिन में ख़राब हो जाएगा वो। तो दोस्तों कभी भी आप देखिए, अगर आपको लगे बेस सड़ गया है तो बुश कभी नहीं डालें। बुश कब डालें, आपको लगे कि बेस मजबूत है, अच्छा है, आपके बुश को झेल सकता है, चल सकता है वो, तब बुश डालें। दोस्तों देखिए पूरा बेस डालने वाला मैं, दोस्तों देखिए बेस आप एक कास्टिंग बेस है और पूरा दोस्तों देखिए इसमें लिखा है MSP, हमारा बुश MSP बुश लगा हुआ है। दोस्तों मेरी कोशिश रहती है ग्राहक से जो पैसे लेना लिया जाए लेकिन हमेशा अच्छी क्वालिटी ही सामान लगाया जाए, और आप लोगों से बोलता हूँ मैं कि हमेशा अच्छा काम करें। दोस्तों अगर आप घर पे वाटी है और आपका वाटी ख़राब हो गया और आपका बेस सड़ गया ये, तो अभी बेस लगा सकते हैं, तो बेस लगाना बेहद आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और दोस्तों उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको बेस खोल लें और दुकान पर जाकर दिखाएंगे कि भाई आपको बेस चाहिए सेम साइज में, तो आपको बेस मिल जाएगा। खोल लेता हूँ, हाँ दोस्तों देखिए मैं स्क्रू खोल लेता हूँ, दोस्तों हमारा स्क्रू खुल गया है। दोस्तों देखिए सड़ चुका है, अगर आप डालेंगे इसे बुश, आपको दिखाई देता हूँ मैं, बुश हमने क्यों डाला नहीं, अब ये जगह देखिए आप कितना बुरी तरह गया हुआ है, अगर आप इसको बुश डाल दें। और दोस्तों एक दिन मैं देखा था एक वीडियो में, वैसे दोस्तों मैं वीडियो देखता हूँ, किसी दूसरे वीडियो देखता हूँ सिग्नल नहीं, हमको खाली जानना था लोग वीडियो कैसे बनाते हैं, तो उस टाइम मैं देख लिया गलती से, एक भाई साहब ने हमारे यूट्यूब पर बना था वीडियो, अब बेस आप देख रहे हैं बेस सड़ गया है, और भाई साहब ने क्या किया बुश लिया, समझिए बुश लिया इसमें डाला, बुश हिला चला गया, तो उन्होंने क्या किया इसको हल्का सा ठोक दिया, हल्का सा ठोक के बुश इसमें हल्का सा बिठा दिया, टाइट कर दिया और फिर बेस इसके ऊपर लगा के और बता दिया कि दोस्तों हमारा वाटी बन गया। दोस्तों मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि मैं गलत मैसेज किसी को दूँ और मेरे वजह से सामान ख़राब कर लो, तो इसके दोस्तों जो सही रहता है वही बताता हूँ मैं। दोस्तों देखिए बेस हमारा ख़राब है, बेस डाल देंगे। दोस्तों एक बात देखिए, आप देख रहे हैं कभी आप बेस डालेंगे, अगर आप देखेंगे ये ज़्यादा गहरा है, ये आप देख रहे हैं ज़्यादा गहरा है, ये बुश आपका लेवल में है, अगर आप इस सीधे में ला देंगे बुश ऐसे ही, मतलब ऐसे लगा देंगे बेस, तो क्या होगा जब चलेगा तो आपका कपड़ा बार बार कटेगा, तो उस टाइम क्या करना चाहिए आपको, इस बुश को थोड़ा नीचे कर देना चाहिए। दोस्तों कम से कम आपका बुश इतना नीचे होना चाहिए, एक दो लेवल में ना रखें, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, ये अपने को तीनों स्क्रू लगा देना है, दोस्तों इसमें जो भी सामान गया हो सब डाल देना है। वैसे दोस्तों मेरा दुकान इतना पुराना है, यहाँ जो कस्टमर है हमारे पास वो सब एकदम जमे हुए मेरे पास, मैं जो पैसे बोलता हूँ वो पैसे ग्राहक देते हैं, लेकिन दोस्तों मेरी आदत है मैं कभी भी काम में थुकपट्टी नहीं करता हूँ, पैसे जो लेना लूँगा मैं, लेकिन काम एकदम अच्छा करूँगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अपनी क्वालिटी वाला ही सामान लगाया जाए, ऐसा नहीं कोई भी सामान लगा दिया जाए और ग्राहक ले जाए ना चले, क्योंकि मुझे जितना बुरा लग ग्राहक जितना बुरा लगेगा उससे ज़्यादा मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मैं कभी किसी से पैसा फोकट में लेना नहीं चाहता। हाँ दोस्तों फिटेड हो गए, अब दोस्तों क्या करना है आपको देख लेना है कि हमारा सॉफ्टिंग अच्छा है कि नहीं, अगर सॉफ्टिंग कभी कभी क्या होता है आप बुश डाल देंगे और सॉफ्टिंग में स्केच रहेगा और आपने ऐसे लगा दिया तो फिर से बुश उड़ने वाला है, बुश बचेगा नहीं। दोस्तों ब्लेड नहीं लगाता हूँ मैं, क्योंकि क्या होता है ऐसे ब्लेड लगा देते हैं इसको भी, लेकिन जब पिसा मसाला तो वेल्डिंग टूट गया है इसकी वजह से क्या घूम जाता है ये, तुरंत हमारा ढीला सकता है, इसलिए मैं ब्लेड भी नहीं लगाता। दोस्तों हमारा आटा उल्टा रहता है,
कपदार और नट सभी उल्टे चूड़ी के होते हैं। दोस्तों आपको वाटी रिपेयरिंग करने का है तो आपके पास मंकी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, मंकी पकड़ होना चाहिए क्योंकि ये पक्का साइड होता नहीं है, तो इसलिए मंकी पकड़ जरूर लेके आए। दोस्तों हमने कपड़ा खोल लिया है, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इस तरह से आप ब्लेड को पकड़ लें दोस्तों, एकदम फुल कट करें। दोस्तों मैं नट भी सही नहीं है, नट भी दम लगा। दोस्तों देखिए नट भी लगा दिए हैं, एकदम टाइट कर दें, फुल टाइट। हाँ दोस्तों टाइट करिए। दोस्तों देखिए जा नहीं रहा ये। अब दोस्तों कितने लोग क्या करते हैं, अब नहीं जा रहा है तो इसमें जबरदस्ती इस तरह से रख के ठोक देंगे, अब ठोक देंगे तो बुस खराब हो जाएगा। दोस्तों ऐसा ना करें, कभी आपको वाटी रिपेयर करना हो तो आपके पास ये औजार होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसका नाम रेमर है। दोस्तों हमारा जो रेमर है इसका साइज़ है 8 mm, कितना 8 mm का रेमर है। दोस्तों हमारा ये शॉफ्टिंग भी 8 mm का आता है, ये दोनों सेम साइज़ के शॉफ्टिंग, ये रेमर भी सेम साइज़ है और ये शॉफ्टिंग भी सेम साइज़ है। दोस्तों उसके रेमर को दोबारा इसे घुसा देंगे, घुमा देंगे तो आपका बुस जो होगा बड़ा होगा वो सही हो जाएगा। दोस्तों वाटी रिपेयरिंग करना है तो आप रिमर जरूर खरीद के लेके आए। अब दोस्तों देखिए हमने लगाया और ब्लेड इसमें टच हो रहा है, तो अब क्या करना चाहिए दोस्तों, वाटी रिपेयरिंग करना बहुत ध्यान से करिए। इसको आराम से देखिए, मैं इसके हाथ बैठ कर रहा हूँ और एकदम गौर से देखिए क्योंकि इस तरह से कोई बताने वाला नहीं है। दोस्तों पहले इसमें वासा लगा दें, आप वासा लगा दिया हमने, फिर दोस्तों क्या करना है आपको, ये वाटी का बैंड जो है ब्लेड का सेम साइज रखना है, ऐसा नहीं कि एक अपने ऊपर रख दिया एक नीचे रख दिया, ऐसा करेंगे तो आपका बूथ जल्दी उठ जाएगा क्योंकि वाइब्रेशन कर जाता है। आपको जब भी बैंड रखना है एकदम सेम साइज बैंड रखना है, यानी घुमा के चेक कर लें कि वाटी के अंदर जो ब्लेड चल रहा है आपका सेम ऊंचाई होना चाहिए दोनों तरफ, ऐसा ना हो कि एक तरफ ज़्यादा ऊंचा है एक तरफ कम ऊंचा है। और दोस्तों ब्लेड को ज़्यादा ऊपर नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा ऊपर कर देंगे तो आपको मसाला बारीक नहीं कर पाएगा वो, आपको ब्लेड को इतना ऊपर रखना है कि समझिए कि दो वासा का जगह होना चाहिए बस ब्लेड के और वाटी के बीच में डिस्टेंस, समझिए। देखिए ये आपको वाटी है और ये ब्लेड है, सिर्फ इतना जगह होना चाहिए, सिर्फ इतना जगह हो इतना जगह ताकि ब्लेड आसानी से घूम सके बस, ऐसा नहीं आपने इतना ऊपर कर दिया, इतना ऊपर कर दिया क्या होगा आपका मसाला बारीक नहीं होगा। दोस्तों देखिए हमने वाटी का जो डिस्टेंस है और ब्लेड का एकदम सेम रखा है, दोनों ब्लेड में ही कोई फर्क नहीं है। अगर आप इस तरह रखेंगे तो आपकी बुश की लाइफ बहुत ज़्यादा रहेगी, बुश जल्दी ख़राब नहीं होगा। और दोस्तों अभी हमारे एक मित्र ने मुझे कमेंट किया था कि सर बार बार डालता हूँ मैं बुश, बार बार ख़राब जाता है। दोस्तों बुश अच्छी क्वालिटी का ऑपर है, और दोस्तों साथ ही साफ्टी में ऑपरेंगे आप। एक मित्र और कमेंट किया था मेरे को कि सर वाटी बार बार जाम हो जाता है, तो वाटी जाम होने का कारण ये है कि आपका साफ्टिंग जो है चालू वाला है, इसमें क्या होता है जंग पकड़ लेता है। और दोस्तों देखिए वाटी में बार रिपेयरिंग किया गया, ये इसका बुश ख़राब हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया, इसमें जंग थोड़ा पकड़ा नहीं है क्योंकि मैं साफ्टिंग लाता हूँ, एकदम अच्छी क्वालिटी साफ्टिंग लाता हूँ। तो अब भी दुकानदार पर जाएँ उनको बोलें कि मुझे साफ्टिंग अच्छी क्वालिटी वाली चाहिए जिसमें जंग ना पकड़े, जंग पकड़े तो वापस कर दूँगा ऐसा बोल के लेके आए, तो उससे क्या होगा आपको दुकानदार फंसाएगा नहीं। और दोस्तों आप अगर कोई चीज़ रिपेयर करते हैं या नहीं भी करते, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको सभी पार्ट के नाम पता होना चाहिए कि जब दुकान पर जाएंगे आप और किसी पार्ट का नाम लेके बोलेंगे, जैसे आपने बोला कि हमको मल्टी ब्लेड चाहिए या मल्टी साफ्ट चाहिए या मल्टी साफ्ट नट चाहिए, तो उससे क्या होता है दुकानदार जो है आपको उल्लू बनाएगा नहीं, वो सोचता है कि ग्राहक जो है इसको सब जानकारी है। तो इसलिए दोस्तों जो बता रहा हूँ मैं सभी के नाम, अगर आप नए हैं या आपको घर पे मिक्सर है आपको रिपेयरिंग करने का है तो सभी चीज़ के नाम नोट कर लें, फिर कभी आपको सामान खरीदना होगा आप दुकान पर जाएंगे दुकानदार आपको कभी भी उल्लू बना सकता। दोस्तों क्या करना है आपको, इसमें एक बूंद ऑयल डाल देना है,
दोस्तों देखिए अब ये कपलर लगाएंगे, कपलर के बीच में डिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ लगाने में क्या होगा। ये फुल टाइट कर दें दोस्तों, देखिए ऐसा प्ले करेंगे, ये देखिए प्ले हो रहा है दोस्तों। वाटी रिपेयरिंग के बाद करने के बाद में प्ले बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। वास्तव में जो भी लगे पतला मोटा करके आपको सेट लगाना है ताकि प्ले ना हो दोस्तों। अगर प्ले नहीं रखना है तो आपका एक बार वाटी बनता नहीं है, आपको दो चार बार खोलना पड़ सकता है। उसमें आलस ने दिखाया कि बार बार कौन खोलेगा, ऐसे दे दिए दोस्तों। मेरी आदत है चाहे 10 बार खोलना पड़े लेकिन जब तक काम परफेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक ग्राहक को दूंगा नहीं। दोस्तों मैं पहले बोलता हूँ आपको कि आपके काम के नज़दीक सबसे पहले आप हैं, तो अपने काम से सबसे पहले आप खुद संतुष्ट होना चाहिए आपको। अगर आप संतुष्ट हैं अपने काम से तो फिर ग्राहक को सामान देंगे, ग्राहक का सामान चलने ही वाला है। जब खुद आपको डाउट रहेगा अपने काम पे तो उस काम को ग्राहक कभी ना दें, क्योंकि जब आपको खुद डाउट है तो चलेगा नहीं। दोस्तों देखिए हमने वाटी रिपेयरिंग कर दिया है, अब प्ले थोड़ा भी नहीं है। इस तरह से आप भी वाटी रिपेयरिंग करें। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबा लें ताकि जो डालू वीडियो में उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर भी करें, दोस्तों कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।